सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इस मूवी का पहला पार्ट यानी कि द इक्वलाइजर को भी मैंने रिव्यू कर दिया है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। मूवी का रिव्यू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। द इक्वलाइजर 2 को फिर से डायरेक्ट किया है एंटोनियो फुका ने। द इक्वलाइजर 1 जो की आई थी 2014 में काफी अच्छी मूवी थी, जिसमें हर एक एलिमेंट जैसे कि ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस, टेंशन और एक्शन डालकर मूवी को परफेक्ट बनाया गया था, जो कि मुझे बहुत पसंद भी आई थी। द इक्वलाइजर 2 भी 2 घंटे की मूवी है। इसकी पहली पार्ट यानी कि द इक्वलाइजर भी ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी थी और इसमें भी कुछ उसी तरह के एक्शन सीक्वेंसेस और सीन्स और स्टोरी देखने को मिलते हैं जो हमने द इक्वलाइजर 1 में देखा था। दोनों मूवी में सिर्फ इतना मेन डिफरेंस है कि पहले पार्ट में वो किसी बेगाने के लिए लड़ रहे थे और इस मूवी में वो मेनली एक अपने दोस्त के लिए जिनको उन्होंने खो दिया है वो उसके लिए लड़ रहे हैं। मूवी का पहला पार्ट जब मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि क्यों आखिर डेंजल उनके दोस्त यानी कि सूजन के पास में जाते हैं उनसे मिलने, और आंसर सिर्फ एक था, वो ये था कि वो जानना चाहते थे कि उस मूवी का मेन विलन कौन है। मगर ये मूवी देखने के बाद में मुझे समझ में आया कि सूजन को फर्स्ट पार्ट में इंट्रोड्यूस करने का ये भी एक कारण था, क्योंकि वो अल्टीमेटली इस मूवी के सेकंड पार्ट का मेन स्टोरी भी बन जाएंगे, क्योंकि सूजन ही वो कैरेक्टर है जो इस मूवी में मर जाती हैं, जिसका बदला लेने के लिए डेंजल वॉशिंगटन निकल पड़ते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट पहले से डिसाइडेड थी या बाद में बनी, बट जब मुझे मालूम पड़ा कि यही मूवी की स्क्रिप्ट है, यही मूवी की स्टोरी है, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट वही स्टोरी है जो पहली मूवी की थी। एंड आई रियली वॉन्टेड टू नो कि मूवी एक्चुअली में क्या नया ऑफर करेगी हमें। सो क्या ये मूवी द इक्वलाइजर पार्ट 1 से अच्छी है? क्या हमें द इक्वलाइजर पार्ट 1 से काफी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं इस मूवी में, और क्या ये मूवी वर्थ इट है? लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी है अगेन डेंजल वॉशिंगटन की, जिन्होंने अगेन रॉबर्ट मैकॉल का काम किया है इस मूवी में। इनकी फ्रेंड सूजन का किसी ने मर्डर कर दिया है, और अब क्योंकि जैसा कि हमने द इक्वलाइजर 1 में देखा था कि सूजन ही एक ऐसी इंसान है जो कि इनकी दोस्त है, और अब डेंजल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने सूजन को मारा और क्यों मारा। बस यही मूवी की स्टोरी है, और अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप भी समझ गए होंगे कि पार्ट 1 की स्टोरी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि पहले पार्ट में ये बेगानों के लिए लड़ते हैं और इस पार्ट में अपनों के लिए, सो वही स्टोरी के साथ वापस आना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है मूवी के लिए, अनटिल एंड अनलेस मूवी कुछ और नया ऑफर ना करे तो। मगर अगेन पहली मूवी की तरह ही इस मूवी में डेंजल अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनको मुसीबतों से बचाते हैं एंड ऑल। किसी के लिए वो एक अच्छे दोस्त है, किसी के लिए वो एक अच्छे मेंटर है, तो किसी के लिए एक अच्छे फादर आइकन है। इस मूवी में डेंजल एक टैक्सी ड्राइवर है जो टैक्सी चलाते हैं, और टैक्सी चलाते चलाते ये लोगों की बातों पर ध्यान भी देते हैं और कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी करते हैं वक्त आने पर। इसका एग्जाम्पल भी मूवी में देखने को मिलता है हमें, जो कि ऑफ कोर्स हम सभी ने ट्रेलर में भी देखा है। एंड व्हाट फॉलोज नेक्स्ट इज अ वेरी ग्राफिकल वॉयलेंट एक्शन सीक्वेंसेस, जो कि रियली मुझे काफी पसंद आया। सो इसी तरीके से मूवी की बिगनिंग काफी अच्छे नोट पर होती है। अगेन इस मूवी में भी ड्रामा है पहली मूवी की तरह, बट वो इंटेंसिटी मिस थी जो कि पहली मूवी में हमने देखा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ कैरेक्टर्स को जानबूझकर इस मूवी में घुसा दिया गया है ताकि ये मूवी सिर्फ 2 घंटे की बन सके। एक्शन सीक्वेंसेस भी है मूवी में, बट कहीं ना कहीं मुझे वो भी थोड़ा कम लगा। मेन एक्शन मूवी के एंड में है और ओवररेटेड एक्शन सीक्वेंसेस लगा मुझे। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ डेंजल को नहीं, गुंडे 3-4 लोगों को मारने आ रहे हैं। उस सीन को कुछ इतना सीरियस दिखा दिया गया था, और उसके अलावा 3-4 एक्शन सीक्वेंसेस भी है जैसे कि कार ड्राइव का सीन। बट मूवी में सबसे अच्छा एक्शन सीक्वेंस मुझे तब लगा जब डेंजल की दोस्त यानी कि सूजन को मारने के लिए कुछ गुंडे आते हैं। उस सीन पर एक अनएक्सपेक्टेड सीन दिखाया गया है, मैं वो आपको बता नहीं सकता वरना मैं मूवी स्पॉइल कर दूंगा, बट जो सीन आपको देखने के लिए मिलता है और जो एक्शन दिखाया गया है, जो वॉयलेंट एक्शन दिखाया गया है, पूरे मूवी में वही एक सीन था जो कि 30 या 40 सेकेंड्स का था, बट काफी वॉयलेंट था, काफी इंटरेस्टिंग था, और मेन चीज काफी शॉकिंग था और अनएक्सपेक्टेड था। मूवी में ऑलमोस्ट ना के बराबर CGI यूज किया गया है, और यही एक वजह है जिससे मूवी के रियल एक्शन सीक्वेंसेस से आप इम्प्रेस्ड रहते हैं। ये मूवी एक एक्शन पैक मूवी होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं मुझे एक्शन थोड़ा सा कम लगा इसमें और ड्रामा थोड़ा सा ज्यादा। और इतने ही नहीं, कई जगह पर ऐसे सीन्स है जो कि देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि ये सारे सीन्स हमेशा डेंजल के फेवर में ही क्यों जाके गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन विलन्स थोड़े कमजोर लगने लगते हैं
और मूवी की स्क्रिप्ट आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगने लगती है। अनफॉर्चुनेटली द इक्वलाइजर पार्ट टू मुझे ऑलमोस्ट द इक्वलाइजर पार्ट वन की रीमेक लग रही थी, बट कैरेक्टर और एक्शन सीक्वेंसेस चेंज हुए थे। और अनफॉर्चुनेटली डेंजल के बेहतरीन एक्टिंग के अलावा, दो तीन एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा और मेनली मूवी के एंडिंग एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा, ये मूवी आपको कुछ नया ऑफर नहीं कर पाती और इसीलिए मूवी आपको इम्प्रेस भी नहीं कर पाती। और इसी की वजह से ये मूवी द इक्वलाइजर पार्ट वन से अच्छी मूवी साबित नहीं होती। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6 out of 10। तो आपको हमारा ये मूवी रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।